नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। हैदराबाद में कैंसर की एक दवा में पाया गया जानलेवा बैक्टीरिया, जिसके बाद लोकसभा से लेकर WHO तक मचा हड़कंप, जिसके बाद लैब को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसके साथ ही दवा के प्रोडक्शन पर तुरंत रोक लगाने का आदेश भी जारी किया गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। हैदराबाद से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक कंपनी की कैंसर की दवा में जानलेवा बैक्टीरिया मिला है। यह दावा किसी और ने नहीं बल्कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने किया है। लेबनान और यमन के हेल्थ अधिकारियों ने हैदराबाद की सेलोन लैब्स की ओर से बनाई जाने वाली इस कैंसर की दवा को बैन कर दिया है। कैंसर की इस दवा के एक बैच में स्यूडोमोनास नाम का जानलेवा बैक्टीरिया मिला था। इस मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोकसभा को जानकारी भी दी। मंत्रालय ने कहा कि WHO ने 4 घटिया और दूषित ड्रग्स के बारे में मंत्रालय को अलर्ट किया था। इसमें सेलोन लैब्स की कैंसर की दवा मेथोट्रेक्सेट भी शामिल है। बताया जा रहा है कि ये दवा कीमोथेरेपी में इस्तेमाल की जाती है। इससे पहले यमन और लेबनान के हेल्थ अधिकारियों ने बच्चों में प्रतिकूल प्रभाव देखने के बाद इस दवा का टेस्ट किया था, जिसमें यह दूषित पाई गई। WHO ने अलर्ट जारी कर कहा था कि कैंसर दवा मेथोट्रेक्सेट का इस्तेमाल करने वाले बीमार लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है और वह इन्फेक्शन से पीड़ित हो सकते हैं। कैंसर दवा के इस बैच का नंबर MTI-2101BAQ है। WHO ने कहा कि इसे सिर्फ भारत में भेजा जाना था, लेकिन अनौपचारिक बाजारों के माध्यम से यह दवा दोनों पश्चिम एशियाई देशों तक पहुंच गई। इतना ही नहीं, लेबनान और यमन के अलावा ये दवा बाकी देशों में भी पहुँच सकती है। मामला सामने आने के बाद तेलंगाना ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के जॉइंट निदेशक जी रामधन ने समाचार एजेंसी से कहा कि हमने दवा में जानलेवा बैक्टीरिया मिलने के बाद सेलोन लैब्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही लैब से तुरंत कैंसर की इस दवा का प्रोडक्शन बंद करने को कहा है। फिलहाल अभी के लिए दे मुझे इजाजत।